सिंध में अब चलेगा बिलावल खराज। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। वजीर आला समेत 5 वज़रा की तब्दीली का इम्कान। फैसला आज दुबई में होगा। रेंजर्स के इख्तियारात का मामला। आसिफ जरदारी और बिलावल समेत पीपल्स पार्टी के बड़ों की दुबई में आज फिर बैठक लगेगी। लाहौर की इलाकी द्रोह हवाला में जंपर की टक्कर से 4 अफराद हलाक। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेन ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम कर रही थी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में 16वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वादी में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आज भी हड़ताल। खाने पीने की अशिया की कमी। भारतीय जारियत शिद्दत इख्तियार कर गई। अमजद साबरी केस में अहम पेशरफ्त। जेरे हिरासत मरकजी मुलजिम मोहम्मद इमरान ने जुर्म का एतराफ कर लिया। 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए चाकू। एमकेएम के नामजद मेयर वसीम अख्तर से तफ्तीश के लिए एक और कमेटी तश्कील। एसएसपी मलीर की सरबराही में बनने वाली कमेटी 5 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश करेगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में नामालूम शख्स की फायरिंग। 4 अफराद हलाक। हमलावर ने वाकई के बाद खुदकुशी कर ली। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना। वजीर आला का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूतर हो रहे हैं। चीन में वजीर आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इंग्लैंड के 589 रन का पहाड़ देकर पाकिस्तानी बल्लेबाज घबरा गए। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस। दूसरे रोज के खेल के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने 57 रन बना लिए। फॉल ऑन से बचने के लिए 332 रन दरकार। रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय रेसलर नौर सिंह का डोप टेस्ट मस्बत आ गया। डोप टेस्ट में फेल होने के बायस भारतीय रेसलर ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। छुट्टी का दिन सुहाना हो गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब में अबरे गरम बरसने का इम्कान। मौसम खुशगवार हो गया। क्वेटा में आइंदा 24 घंटों में शिवाल मशरकी बलोचिस्तान में चांद मुकामात पर बारिश का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रोज न्यूज और मैं हूं आमना अकरम। और मैं हूं जहांगीर खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। आपको बताएं कि बगदाद के शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। बगदाद के शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि बगदाद के शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। बगदाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई है। आपको बताते चले, बगदाद के शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका। धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई है। आपको एक बार फिर बताते चले, बगदाद के शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हुए हैं। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर है बगदाद से, जहां बगदाद के शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका हुआ है, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि बगदाद के शुमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।